सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को, पूरे भोजपुरिया समाज को, आपके सबसे चहीते और दुलारवा हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से हार्दिक प्रणाम बा। और जैसा कि बात राम भाई ने बोली है कि दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, चूँकि हमारे दर्शकों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया उस फिल्म को कि वो फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद अभी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्शन स्टंट्स के साथ जो फिल्म आई है, जो फिल्म लगी है दीवाने, जो चल रही है और लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी उस फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सभी के किरदारों को काफ़ी सराहा जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बेहद खुशी की बात है, मेरे लिए डबल धमाका है, डबल धमाल है कि एक फिल्म को जहाँ लोगों ने अथाह प्यार दिया और उसी तरह वही प्यार मेरी दूसरी फिल्म दीवाने को भी मिल रही है। और मेरा ये खास, मेरा सभी से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे भोजपुरिया दर्शक हैं, मेरे पूरे भोजपुरिया समाज को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में इस फिल्म को ज़रूर जाके देखें। किरदार की बात, इसमें कितना अलग किया था आपने? काफ़ी अलग है, जैसा कि आप देखेंगे तो दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से मैं एक अलग लड़का है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसे कोई दुनिया की कोई परवाह नहीं है, बस उसे अपने मुल्क से, अपने देश से और अपनी मोहब्बत से प्यार है। और उसी के साथ जब ये फिल्म आई, ये काफ़ी वर्सेटाइल और काफ़ी अलग जोन का सिनेमा है जिसका नाम है दीवाने, ये प्योर लव स्टोरी और काफ़ी एक चैलेंजिंग लव स्टोरी है। मेरे एक फिल्म आई थी 2013 में, जीना तेरी गली में, जो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, जिसे लोगों ने, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार ने, पूरे भोजपुरिया समाज ने काफ़ी प्यार और काफ़ी आशीर्वाद के साथ उस फिल्म को देखा था। और वही प्यार, वही फिल्म, उसी के बाद हमने इस लेवल का लव स्टोरी और उतनी गाढ़ी लव स्टोरी और उतनी खूबसूरत लव स्टोरी हम अब लेकर आए हैं दीवाने के साथ। इसमें बात करें, आपकी दो नायिकाएं हैं, प्रियंका पंडित जी और एक जिन्होंने एंट्री किया है शगुन दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका ने मेरे साथ जीना तेरी गली में लॉन्च हुई थी मेरे साथ, और शगुन अभी इस फिल्म में लॉन्च हुई हैं। जितने भी किरदार हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जितने भी किरदार हैं उन सभी ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, अपना पूरा 100% दिया है। और मैं ये खास तौर पर सभी कलाकारों को, सभी टीम टेक्नीशियंस को, जितने भी हमारे टेक्नीशियन बंधु हैं, जिन्होंने कैमरे के पीछे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके आर्ट डायरेक्टर, जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे सिनेमाटोग्राफर से लेके स्टोरी राइटर से लेके जितने भी लोग, वो सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी ने अपना अपना पूरा बेस्ट दिया है, सभी ने काफ़ी मेहनत किया है इस फिल्म के लिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और यही मैं निवेदन है हमारे सभी जनता से, यही खास निवेदन है कि सबकी मेहनत को रंग लाइए और सभी को आशीर्वाद देने अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर जाइए। यही कहूँगा कि मेरी आने वाली जो भी फिल्म है, सारी फिल्मों को देखते रहें, यही प्यार, यही आशीर्वाद देते रहें। इसके बाद दुर्गा पूजा पर बहुत ही बड़ी फिल्म रिलीज़ होगी जिसका नाम है ड्राइवर राजा, और उसके बाद छठ पूजा पर आएगी दिलवाले। मैं चाहूँगा कि मेरी जितने भी फिल्म हैं, मैं राम भाई एक बात बहुत खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि दर्शकों ने जब भी चिंटू की जब भी कोई भी फिल्म लगी है तो उसे एक अलग नज़रिए से देखा है, एक अलग रूप से देखा है, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के, हमारे पूरे भोजपुरिया समाज के मन में कहीं ना कहीं एक बात होती है कि चिंटू का सिनेमा जब भी लगता है तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और पूरी पारिवारिक सिनेमा होता है, पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट सिनेमा होता है जो पूरे परिवार के साथ हम बैठ के देख सकते हैं। तो मेरा ये उन सभी के लिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो भी सिनेमा करूँ उन सभी की उम्मीदों पर, उन सभी के सोच पर खरा उतरूँ और वही सिनेमा करूँ। और मेरा यकीन मानिए कि मैं वही सिनेमा करता हूँ जो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे माताएं बहनें एक साथ बैठकर देख सकती हैं, जो पूरा दोस्त यार, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। और मैं चाहूँगा आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद, यही प्यार अपने इस बेटे पर, अपने इस हीरो पर यही आशीर्वाद देते रहिए, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे सिनेमा आप सभी के लिए करता रहूँ और हमारे भोजपुरी को ऐसे ही समर्पित करता रहूँ। अपने प्यारे, अपने दुलारे, अपने चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू को यही प्यार, यही सम्मान, यही आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रणाम। सबसे पहले हमारे सभी जनता जनार्दन को मेरा कोटी कोटी प्रणाम। और आज हमारी फिल्म दीवाने, जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहूँगी, बिहार, बॉम्बे, पंजाब, इन सब जगहों पर रिलीज़ हुआ है, और फिल्म बहुत ही अच्छी है, काफ़ी प्यारी बनी है, सबका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, और ओवरऑल सब अच्छा है। अभी आप दर्शकों के साथ फिल्म देख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, साथ में बैठ के देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारे जितने पब्लिक है, हमारे जनता जनार्दन है, काफ़ी एंजॉय कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये आपकी पहली फिल्म है, तो आप कितनी एक्साइटेड है, कितना नर्वस है? ये मेरी फर्स्ट मूवी है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और नर्वस कहीं ना कहीं अगर आप पूछो तो ये हूँ कि पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचती होगी, हमारी जनता जो है मेरे बारे में क्या सोचती होगी, अब आगे अब उनकी मर्जी।
फिल्म के हीरो हैं चिंटू जी, क्या करना चाहेंगे उनके साथ काम करके? जी चिंटू जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। चिंटू जी बहुत अच्छे पर्सन है, काफ़ी सपोर्ट किए मुझे, काफ़ी हर जगह सपोर्ट किया है उन्होंने, तो अच्छा लगा। उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्रोड्यूसर हैं इम्तियाज़ सर, इम्तियाज़ खान, वो बहुत ही अच्छे हैं। और मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले अपनी पब्लिक को कि इस फिल्म से वो मुझे लॉन्च कर रहे हैं और उनका काफ़ी सहयोग है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो और बाकी अपने डायरेक्टर के बारे में अगर आप हमारे पूछें तो डायरेक्टर भी मेरे अच्छे हैं, काफ़ी उन्होंने भी सपोर्ट किया है। किरदार जब आपको सुनाया गया पहली बार आपने कैमरा फेस किया तो क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जब भी मैं स्टोरी जब मैं सुनी, हमारे डायरेक्टर ने जब स्टोरी सुनाया तो बोले कि एक गोंगी का है, एक ये है, आप क्या करना चाहोगे? तो मैं बोली कि देखो मुझे वो नहीं पसंद है ज़्यादा मुझे, क्योंकि हमेशा मुझे कुछ नया करने का अच्छा लगता है। मेरी एक सोच है कि मैं कुछ नया करूँ, अलग करूँ। और जैसा कि हमारे पब्लिक को अभी तो बहुत मज़े लेना बाकी, अभी बहुत कुछ मिलेगा देखने को, तो कहानी में मैंने ये पसंद किया चॉइस के काफ़ी अच्छा। आप गाना भी गाती हैं तो कोई फिल्म में इसमें गाना गाई है आगे वाली? नहीं फिल्म में नहीं, अभी मेरा बोलबम का एक आया था एल्बम आया था, और अभी आगे पियोस होते दलानी में मेरा जैसे अभी मेरा एल्बम आने वाला है तो गा लेती हूँ कभी। और ये फिल्म का प्रमोशन है तो कहाँ कहाँ प्रमोशन करने वाले हैं? अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं, इसके बाद अभी हम जाने वाले हैं अपना कुल्ला में जाने वाले, सीतल टैगिस, फिर भी मंडी जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना सब जाएंगे, जहाँ जहाँ रिलीज हुई है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे दीवाने फिल्म को अपनी बहुत सारे ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुलार दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी सिनेमा बनी है। हमारे प्रोड्यूसर सर ने, इम्तियाज़ खान ने आप लोग के बीच में बहुत ही अच्छी सिनेमा पेश किया है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और गर्दन मचा के देखिए, बस यही कहना चाहूँगी। ओके सर, बात करें आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है, पब्लिक के साथ आप फिल्म देख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने दर्शक से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहा हूँ कि वो जाएं सिनेमा, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में और देखें, और ढेर सारा प्यार दुलार दें दीवाने फिल्म को, और मेरा हौसला बढ़ाएं कि आगे मैं और फिर फिल्में बनाऊं और दर्शक खुश हो और हर चीज़ अच्छा हो। आज पब्लिक साथ फिल्म देख रहे हैं, बिहार रिलीज हुई, पंजाब रिलीज, मुंबई रिलीज हुई, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं बॉम्बे में सुपर सिनेमा में आया हूँ, पब्लिक के साथ देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरा कोशिश भी कर रहा हूँ कि बिहार भी जाऊँ, यूपी जाऊँ, जहाँ जहाँ मतलब ये है, मैं हर जगह जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और जाऊँगा भी, ऐसा उम्मीद किया हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहिए अपनी इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से तो मेरी बहुत ज़्यादा ये है कि भाई वही हीरो होते हैं, वही प्रोड्यूसर होते हैं, वही डायरेक्टर, उनसे बहुत उम्मीद है, वो दिल खोल के आएँ हमारी दीवाने फिल्म को देखें और हमें आशीर्वाद दें, ब्लेसेस दें, ये उनसे बहुत उम्मीद है मुझे। मुंबई रिलीज हुई, यहाँ हुई, यूपी कब होने वाली आपकी फिल्म? यूपी का हम लोग 23 तारीख तय किए हैं, हाँ प्लान किए हैं, और 23 को हम लोग रिलीज करेंगे, और शायद हम लोग 23 को जाएंगे भी वहाँ। राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे पब्लिक साथ पिक्चर देख रहे हैं? पब्लिक के साथ पिक्चर देख के बहुत मज़ा आ रहा है। शगुन जी फिल्म में एंट्री की है, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? वो भी अपने काम से तो मतलब भरोसा रखती है, ये अच्छा काम करें। सर आप क्या कहना चाहें शगुन जी को? शगुन जी के बारे में ये कहना है कि बहुत अच्छा उनका लगा, अभी तक तो इंटरवल हुआ है, अभी तक देखे हैं, बहुत अच्छा जितना उन्होंने किया बाखूबी निभाया है, और पहली फिल्म है, आगे उनसे बहुत उम्मीद है कि अच्छा काम करें, और दर्शक भी उनसे बड़ा ये खुश हो, और इसमें लग भी रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब दर्शक भी क्लैपिंग ये वो सब तालियां बज रही है, अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैंने जो एक लड़की को लॉन्च किया वो ठीक है, मेरा फैसला अच्छा है जी। थैंक यू।